I have done my BTEC from NIT Srinagar in the year 2017. It was my first attempt at JKPSC और अल्लाह के करम से मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फर्स्ट रैंक हासिल कर ली. मैंने बहुत ही मेहनत की थी इसके लिए. मैं अपना लिस्ट में नाम एक्सपेक्ट कर रही थी लेकिन व्हेन इट वाज फर्स्ट तो द जॉय वाज इनएक्सप्लिकेबल. तो मैनेज में ऐसे स्टडी करती थी, मेरे डेली गोल्स होते थे, वीकली गोल्स होते थे और मंथली गोल्स होते थे. तो मैंने टाइम टेबल ऐसे सेट किया था कि हर कोई सब्जेक्ट कवर हो जाए एक वीक में. जैसे हमारे 5 सब्जेक्ट होते हैं, जी एस 4 प्लस ऑप्शनल. तो मैंने टाइम स्लॉट ऐसे ही डिवाइड किया था और कुछ टाइम मैंने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए रखा था क्योंकि यू कैन नॉट स्टडी ऑल डे लॉन्ग. आपको थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए होता है फॉर मेंटल हेल्थ, मेंटल बैलेंस. तो उस हिसाब से मैंने अपना टाइम टेबल सेट किया था. गाइडेंस से सब सीनियर्स जिन्होंने ये क्वालिफाई किया है, और इनिशियली मैं इग्नाइटेड माइंड्स भी गई थी, वहाँ मैं शुएब नूर सर से मिली, उन्होंने मुझे ज्योग्राफी पढ़ाया, वो केएस ऑफिसर है करंटली. तो गाइडेंस उनसे भी मिली जिन्होंने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, उन सब से बात हुई. और मेरी फ्रेंड्स वगैरह जो प्रिपेयर कर रहे थे सिविल सर्विसेज के लिए, हम इकट्ठे ही देखते थे क्या करना है, कौन सा मटेरियल है, कौन सी बुक है. तो गाइडेंस तो बहुत सारे लोगों से मिली है. सब जब इरादा कर लिया था तो सोच ही लिया था कि करना ही करना है. मुश्किलात की बात करें तो स्ट्रगल्स तो करना ही पड़ता है. अगर आपको कुछ वैल्यूएबल चाहिए होता है उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. तो सबसे पहला स्ट्रगल होता है मेंटल स्ट्रगल. यू शुड हैव फेथ इन योर सेल्फ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको लगता है नहीं हम नहीं कर पाएंगे, तो उन इंटेलिजेंट बच्चों के लिए. लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट भी जो थोड़ा सा जानता हो, वो अगर मेहनत करे वो भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकता है. डिफ़िकल्टी तब बढ़ गई थी जब इंटरनेट ब्लॉकेड हो गया, बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी, न्यूज़पेपर्स वगैरह नहीं मिल रहे थे. तो लेकिन इन द एंड यू हैव टू मैनेज विद ऑल द स्कार्स रिसोर्सेज यू गेट. तब ही यू कैन नॉट ऑलवेज बी अ कंप्लेनिंग. तो कंप्लेनिंग नेचर मेरा नहीं था, तो जितना भी मुझे मिलता था मैं उसी में गुजारा कर लेती थी कि इतना मटीरियल है तो चलो इतना ही पढ़ लेते हैं. यू कैन नॉट हेल्प इट समटाइम्स. सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बहुत सारे लोग हैं, मतलब एवरी हार्ड वर्किंग पर्सन इज़ माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो कोई भी जॉब करता हो, लेकिन वो बहुत हार्ड वर्किंग हो, एवरी हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल इज़ माई सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. फ्यूचर प्लान रहेगा, मुझे जो भी सर्विस एलोकेट होगी मैं जस्टिस करूँ अपने जॉब के साथ, कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर. सिचुएशंस चेंज होंगी या नहीं होगी, लेकिन यू शुड हैव फेथ इन योरसेल्फ. आपके पास जितने भी स्कार्स रिसोर्सेज है, टाइम जितना भी कम है, यूटिलाइज इट टू द बेस्ट, यूटिलाइज इट टू द मैक्सिमम.